नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आष्टा अनुविभाग के सिद्धिकगंज थाने के सिद्धिगंज में बीते शाम एक नशे में धुत दिमाग से कमजोर युवक ने ग्राम में जमकर उत्पात मचाया। आपको बता दें, उत्पात की क्रिया के दौरान उक्त युवक, जिसका नाम ब्रजमोहन मालविया बताया जा रहा है, वो दुराडा रोड पर थाने के सामने स्थित मंदिर में पहुंचकर मंदिर में स्थापित बजरंग बली की मूर्ति को खंडित कर दिया था। और यही नहीं, उसने कुछ और स्थानों पर भी पथराव किया। उक्त घटना करीब 6 से 7 बजे के बीच की बताई जा रही है। हनुमान जी की मूर्ति खंडित करने और उसके बाद कुछ अन्य आस्था के केंद्र पर इसी तरह की हरकत करने के बाद सूचना मिलते ही ग्रामीणों में जमकर आक्रोश छा गया। सभी आक्रोशित नागरिक धीरे धीरे जमा हुए और उसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उक्त आरोपी युवक की हरकत के खिलाफ थाने जा पहुंचे और थाने का घेराव किया। जब बात हाथ से निकल गई, तब वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना मिलने की आष्टा, पार्वती, जावर आदि स्थानों से बल और एसडीओपी आकाश अमलकर, एसडीएम स्वाति उपाध्याय, अन्य थानों के प्रभारी सिद्धिगंज पहुंचे और मामले को शांत करवाया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं संवाददाता कुमेर सिंह। कुमेर, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले को लेकर? जी मैडम, बीते शाम करीब 6:30 बजे के बीच में ग्राम के एक युवक, जिसका नाम बताया जा रहा है ब्रजमोहन मालवी, पिता कालू सिंह मालवी बताया जा रहा है, उसका शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। मंदिर में, हाँ, मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति को खंडित किया गया और अन्य जगह भी उन्होंने पत्थरों से पथराव किया गया है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी, की स्थिति अब नियंत्रण में है और अब किस तरह की कार्रवाई उस युवक पे होगी? मैडम, उसके खिलाफ सिद्धिगंज पुलिस थाना में धारा 298 DMS के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और उसको दिमागी हालत भी ठीक नहीं बताया जा रहा है, जिसके लिए उसको उपचार के लिए आष्टा हॉस्पिटल के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। तो क्या इस युवक के खिलाफ पहले भी ऐसे कई मामले दर्ज हुए हैं? क्या पहले भी ऐसे पथराव को अंजाम दिया है या ऐसे मामला सामने आया है युवक को लेकर? जी, नशे का धुत बताया जा रहा है उसको, नशे की हालत में उसको कोई समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। वो ग्रामीण वासी आरोप लगा रहे हैं कि इसको किसी ने नशा करवाया है और नशे के कारण इसने हनुमान जी के मंदिर में गया और वहाँ पे पथरावबाजी की और मूर्ति को खंडित किया गया है। जब इसकी सूचना पुलिस थाने में की गई है तो थाना प्रभारी गोपेंद्र सिंह के नेतृत्व में उसके खिलाफ धारा में पंजीबद्ध धाराएं कर ली गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुमेर जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। लगातार आप इस खबर पर नजर जरूर बनाए रखें। तो आपको बता दें कि अनुविभाग के सिद्धिगंज थाने के बीते शाम एक नशे में धुत दिमाग से कमजोर युवक वो बताया जा रहा है, जिसने ग्राम में जमकर उत्पात मचाया और इस क्रिया के दौरान उक्त युवक, जिसका नाम ब्रजमोहन मालवीय बताया जा रहा है, वो स्थित मंदिर में पहुंचकर मंदिर में जो स्थापित बजरंग बली की मूर्ति है वहां उसको खंडित किया गया और साथ ही साथ पथराव भी किया गया। फिलहाल जो पुलिस है, अधिकारी है, वो लगातार इस पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं।